बताया था दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा सांप। कृपया ध्यान दें, इस वीडियो में किसी भी प्राणी या सर्प को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। हम लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए सांप की जान बचाई। यह वीडियो इंसानों को सांपों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया गया है और सांप को बिना किसी प्रशिक्षण के घर पर ना पकड़े, इससे आपकी जान जा सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं रेनापुर में शिवलिंग कोरे जी के खेत में। इनके खेत में एक सांप निकला है, ऐसा हमें कॉल आया था दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा सांप है दोस्तों। सांप जो है वो यहाँ इनके तबेले के पीछे पुराने पत्रे पड़े हैं दोस्तों, उन पत्रों के नीचे गया है, ऐसा इनका कहना है दोस्तों। बहुत बिग साइज का स्नेक है, ऐसा इनका कहना है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा सांप है। बहुत ही हैरतअंगेज वीडियो होने जा रहा है दोस्तों। हमारे रेस्क्यूअर अभी देखेंगे कौन सा सांप है दोस्तों। धूप बहुत ही तेज है आजकल दोस्तों, बहुत ही तेज है धूप। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा है दोस्तों। बहुत ही खतरनाक इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा। देखिए दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। हाँ तो सर, और जहरीला इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा। देखिए दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा। देखिए दोस्तों बिग साइज वाला इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा। कट दे। अरे आप फुस फुस करा नहीं तो डायरेक्ट फुस फुस करते हो। मोटा है कसला चौकी। देखिए दोस्तों कितना बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा। देखिए दोस्तों कोई पांच घुसा। हाँ पकड़ा पकड़ा ये पड़ वाले। वो आवाज बहुत ही खतरनाक आवाज से तक चौड़ा है। ये पली कर सावली इंडियन स्पेक्टिकुलर को जिसे हिंदी में या मराठी में लोग नाग भी कहते हैं दोस्तों। न्यूरोटॉक्सिक जहर वाला हाईली वेनमस। वीडियो दोस्तों हमारे रेस्क्यूअर साहब को आगे की तरफ ले जा रहे हैं खुले खुली जगह पे। देखिए दोस्तों कितना खतरनाक है ये सांप इंडियन स्पेक्टिकुलर कोबरा।
ती डी रूपनर ज्ञानेश्वर आहे. ऋषी तुझ आहे का? मी ऋषी आहे. काही तर द्या मला. द्या बर द्या बर बर बाहेर तर मग बाहेर ते पिल्ले ते देत असतील कुठायचे पिल्ले तो दोस्तों अब हमारे रेस्क्यूअर जो है वो सांप को पैक कर रहे हैं. दोस्तों थोड़ा सा सोड पर पिशवी थोड़ सरका बाहर उड़ी मारा मोटी भाई ना वो तो भाई जो दोस्तों धूप तो बहुत ज्यादा है. सांप को बहुत ही गर्मी हो सकती है दोस्तों क्योंकि वो ठंडे खून वाला जानवर होता है. दोस्तों ज्यादा गर्म माहौल में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है. दोस्तों हरभरे काढाय हरभरे काढून हे द्या इथल्या चांगला आहे. तीच म्हणाला ती हरभरे काढून हे झाड आहे की ही का ना पत्तळ आहे बांधा येते हवा हवा दिताला जावं लागतं हवा जात नाही त्याच्यावर. निवाडा तो दोस्तों हमारे रेस्क्यूअर सांप को बैग में पैक कर रहे हैं. कसं झालंय ते कसलं करायला असं हल्लो रे मुली लांब हो लागेल आता जात नाही कुठे अगोय त्याचा आवाज आणि ती उंची किती खर आली ते मग ते लक्ष त्यांच्याकडे पूर्ण लागली त्याला तिथं मग कुठं माझी वस्तान थोडं लागलं असं नाही कुठं नाही लागत खर मूड मध्ये आले त्याने
पानी पीते कस का पानी पीते कस टाक आम से तीन तीन मांज रेस्टी लेट आता है तो दोस्तों अब हमारे रेस्क्यूअर साहब को बैग में पैक करेंगे, लेकिन बैग में पैक करने के मूड में नहीं दिख रहा है साहब। दोस्तों आलू कला दो ना वायर वापरलीस ना हवे वायर मोट का जरा गोंधा एवडा बांधा सोड़न तीन कोपर आता तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रेनापुर में कालीवाड़ी रोड को शिदलिंग कोरेजी के खेत में आए थे। तो वहां से हमें सचिन कोरेजी ने हमें कॉल किया और बताया कि उनके खेत में एक सांप है जो उनके तबेले के पीछे एक पत्रे के नीचे चला गया है। तो यहां पे उनके जानवर होने की वजह से उन्हें डर था कि कहीं वो किसी जानवर को काट ना ले, इसी वजह से इन्होंने इसे सांप को बचाने की यहाँ से निकालने के लिए हमें डी रूपनर जी को कॉल किया दोस्तों। और वक्त पर पहुँच कर डी रूपनर जी ने सांप की जान बचाई, उसे रेस्क्यू किया, इसलिए हम सचिन कोरे जी का भी धन्यवाद करेंगे दोस्तों और डी रूपनर जी का भी धन्यवाद करेंगे दोस्तों। ऐसे ही बेजुबान जानवर की जान बचाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।